हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IOLCP का शेयर क्यों गिर रहा है और एज एन इन्वेस्टर अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या अब आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज़ इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज़ ये सारी अपडेट हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर अगर आप इसकी सेल्स को देखोगे तो ये देखिए, अगर मैं शुरुआत के दोनों क्वार्टर्स की बात करूं तो यहाँ पर दोनों क्वार्टर्स में अच्छी सेल देखने को मिली है, लेकिन इस बार अगर आप देखोगे तो इस बार पिछले क्वार्टर के मुकाबले 20 करोड़ की गिरावट आपको इसकी सेल्स में देखने को मिली है, जो कि अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तो लगभग 3.5 से 4% कंपनी की सेल्स गिरी है। अब अगर आप टोटल इनकम देखोगे कंपनी की, तो इसमें जो अदर इनकम है उसमें एक प्रेशर देखने को मिला है, क्योंकि अदर इनकम में यहाँ पर 3 करोड़ की ग्रोथ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, मतलब 75% यहाँ पर अदर इनकम बढ़ी है, जो कि उसकी नॉन कोर इनकम, मतलब कुछ कंपनी ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, बेचा होगा, जो कोई इंटरेस्ट इनकम कंपनी की, तो वैसे यहाँ पर ये 7 करोड़ की है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये देखोगे कंपनी का एट दी एंड जो नेट प्रॉफिट है वो अगर देखे जाए तो जो जून 2020 से अगर आप कंपेयर करोगे तो लगातार दोनों क्वार्टर्स में गिरा है। अब देखिए कितना गिरा है, देखिए जून 2020 में 1 करोड़ गिरा है, फिर उसके बाद में अगले क्वार्टर में 12 करोड़ गिरा है, तो देखिए इससे 12 करोड़ गिरा है। तो देखा जाए तो ये थोड़ा लगातार प्रॉफिटेबिलिटी गिरना एक ये इश्यू वाली बात बना देता है। अब देखिए यहाँ पर तो इसका जो फिर भी जो इसकी सेल्स थी वो बड़ी थी, लेकिन यहाँ पर इसके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो अगर आप देखोगे तो वो खासे ज़्यादा थे, तो उसकी वजह से आपको यहाँ पर इसके नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन वो स्लाइटली सी गिरावट थी, सिर्फ 1 करोड़ की गिरावट थी। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सेल्स के ऊपर प्रेशर बना हुआ है, रेवेन्यूज में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, जो कि मार्केट ने नेगेटिव लिया है। लेकिन अगर आप देखोगे ये तीनों का मिला के, तो ये तीनों का मिला के लगभग ये निकल कर आता है 367 करोड़ का प्रॉफिट। हाँ, ये लगभग 367 करोड़ का प्रॉफिट निकल कर आता है, जबकि पिछले साल कंपनी का 500 से 550 करोड़ का प्रॉफिट था, और इस बार भी अगर आप देखोगे तो 500 करोड़ के लगभग का कंपनी का प्रॉफिट निकल कर आता है, अगर मैं इसको ईयरली बेसिस पर करूँ तो। तो देखिए पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा गिरावट कंपनी के प्रॉफिट में देखने को नहीं मिली है, लेकिन देखिए गिरना, लेकिन जो इंक्रीजिंग ट्रेंड में कंपनी का जो प्रॉफिट चल रहा था वो अब डिक्रीजिंग ट्रेंड में आ गया, तो वो मार्केट ने नेगेटिव लिया है। अब ये देखिए, अब देखिए सबसे पहले इसका डेट देखिए, आप देखिए मार्च 2018 के एंड में इसका 1.82 का इसका डेट टू इक्विटी था, मतलब कंपनी ने 1 रुपये की इक्विटी के ऊपर 1.82 रुपीज़ की उधारी ले रखी थी। फिर उसके बाद देखिए सीधा काम हो गया 0.54, अभी हो गया 0.07, तो मतलब अगर आप देखोगे तो कंपनी एकदम ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई है, नी के बराबर अब कंपनी का डेट बचा हुआ है। अब ये देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए, मतलब ये बता रहा है कि कंपनी की जो पोजीशन है, मतलब जो इंटरेस्ट पे करने की कंपनी की ताकत है, उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। तो देखिए कंपनी के अंदर कोई भी नेगेटिविटी नजर नहीं आ रही है। अब आप ये देखिए करंट रेशियो देखिए, पिछले 3 साल से लगातार करंट रेशियो में भी लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और कंपनी के क्विक रेशियो में भी पिछले 3 साल से लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ये बता रहा है कि कंपनी के कैश इनफ्लोज भी बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजिशन है वो भी अच्छी हो रही है। तो देखिए देखा जाए तो ओवरऑल थोड़ी सी सेल्स कम हुई है, जिसको मार्केट ने नेगेटिव लिया है। अब ये देखिए, देखिए सबसे पहले इसका जो होल्डिंग पैटर्न है वो थोड़ा नेगेटिव है। देखिए सबसे पहली बात, प्रमोटर ने कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं कर रखी है, ये एक पॉजिटिव बात है। और अगर आप पिछले साल के सितंबर से देखोगे तो यहाँ पर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। ये देखिए पिछले साल सितंबर में प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 41.89%, जो कि अब हो गई है 43.69%, मतलब प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। अगर जब प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ाएंगे, मतलब उनको अपनी कंपनी पे भरोसा है, उनको ये पता है कि आने वाले समय में उनकी कंपनी बढ़िया परफॉर्म करेगी, तो इसीलिए वो धीरे धीरे स्टेक बढ़ाकर अपनी कंपनी का जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक वो अपने पास रखने की कोशिश करते हैं, ताकि उनकी कंपनी का जो भी प्रॉफिट वगैरह हो वो उनको भी ज़्यादा मिल सके। अब देखिए
FIA म्यूचुअल फंड की होल्डिंग नहीं के बराबर है, DII ने कोई पैसा डाला हुआ नहीं है, अगर यहाँ पे डाला हुआ है किसी ने पैसा तो वो डाला हुआ है FIA ने, FIA का इसमें 7.77% का स्टेक है। अब देखिए रिस्क वाली बात यहाँ पे पैदा हो जाती है, वो है 48.50% का स्टेक यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स का होना। देखिए मैं ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो आधा सौदा यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ही पड़ा हुआ है। अब देखिए होता क्या है, जैसे शेयर का प्राइस बढ़ने लगता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स की वहाँ पर निगाह बढ़ती है, तो वो उसमें इन्वेस्ट करना चालू कर देता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे शेयर का प्राइस थोड़ा सा भी गिर जाएगा तो जितने भी ऑलमोस्ट ये 50% में से ऑलमोस्ट 10% रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे ही होंगे, जैसे शेयर का प्राइस गिरा हम फटाक से इसको बेच देंगे, वो पेशेंस नहीं रखते। देखिए आपने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर निकल जाना चाहिए। तो इसीलिए आपका ये व्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनी इज परफॉर्मिंग गुड। कंपनी की अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो यहां पर कंपनी की पोजीशन खासी बढ़िया है। अब ये देखिए इसका आप वैल्यूएशन देखिए, सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग है 40 का, और जो करेक्शन इसमें भी देखने को मिला है उसके बाद इसका प्राइस टू अर्निंग सिर्फ 8.72 का ही हो जाता है। देखिए अभी इसका जो प्रॉफिट अभी हाल फिलहाल में इस साल हो गया है 367 करोड़ का, और ये जो 8.72 का इसका प्राइस टू अर्निंग है वो पिछले साल के अर्निंग के ऊपर है, और पिछले साल कंपनी ने लगभग 500 से 550 करोड़ का मुनाफा कमाया था, और इस बार भी कंपनी हर क्वार्टर में 100 करोड़ का मुनाफा तो कमा ही रही है। तो देखिए मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको इस साल 500 करोड़ का तो पूरे साल का मिला के मुनाफा दिखेगा ही, तो देखा जाए तो ज्यादा गिरावट नहीं है, सिर्फ 4 से 5% की गिरावट आपको कंपनी के प्रॉफिट में देखने को मिली है। और मेन बात क्या है, धीरे धीरे कंपनी अपना डेट चुका रही है, कंपनी डेट फ्री होना चाह रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर एट दी एंड नेट प्रॉफिट कम आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर 5% का यहाँ पर अगर कंपनी का ईयरली बेसिस पर रेवेन्यू कम भी हो जाता है तो भी ये आपको सिर्फ 10 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ही मिलेगा, अभी 8.72 हो गया तो वो 10 हो जाएगा, तो देखा जाए बहुत ही अंडर वैल्यूएशन पर मिल रहा है। और रही बात डिविडेंड की, सेक्टर में भी डिविडेंड नी के बराबर है, ये भी नी के बराबर ही डिविडेंड देता है। अगर आप प्राइस टू बुक देखोगे तो प्राइस टू बुक देखिए, प्राइस टू बुक कंपनी का सेक्टर के मुकाबले खासा ही कम है, 1 कम है, मतलब सेक्टर का 4.87 टाइम चल रहा है तो इसका 3.87 टाइम्स ही शेयर अभी चल रहा है। और मेन बात ये कि इसकी बुक वैल्यू में आपको आने वाले समय में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी ने अपना डेट ऑलमोस्ट चुका ही दिया है, और अगर 1-2 साल में कंपनी डेट फ्री हो जाएगी तो उससे क्या होगा, कंपनी की लाइबिलिटीज एकदम कम हो जाएगी, तो फिर उससे कंपनी की जो बुक वैल्यू होगी वो एकदम बढ़िया होगी, और जिससे भी ये शेयर का जो अट्रैक्शन होगा वो भी खासा अच्छा होगा। अब देखिए 3,253 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसके अंदर ऑपरेटर को गेम खेलने में मजा आ जाता है और रिटेल इन्वेस्टर्स को बर्बाद करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अब ये देखिए पिछले 4 साल का फाइनेंशियल ट्रेंड देखिए, जिस तरीके से इस कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है तो उसके बीच में अगर इसकी थोड़ी सी प्रॉफिट इसका कम हो गया थोड़ा सा प्रॉफिट, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए आप 71 से 96, मतलब 710 करोड़ के बाद सीधा 980 करोड़, मतलब लगभग कितना बढ़ गया रेवेन्यू, 40% कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया। अब उसके बाद देखिए 98 का हो गया सीधा 1690, मतलब कितना हो गया 50 से 60% का कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर से यहाँ पर 15% का ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिला है। अगर आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करोगे तो ये देखिए पिछले 4 साल से लगातार प्रॉफिटेबिलिटी में भी लगातार ग्रोथ है। और ये देखिए मैंने आपको छोरी गलत बताया था, थोड़ा सा ये पिछले साल का इसका प्रॉफिट 360 करोड़ का ही है, और अभी कंपनी का अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तीनों क्वार्टर्स में मिला के कंपनी ने 367 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया है, क्योंकि ईयरली बेसिस पर होता है 500 करोड़ का, तो देखा जाए तो यहाँ पर इसका प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, और वो तो पहले से बढ़ गया है, तो इसीलिए यहाँ पर एकदम सस्ते वैल्यूएशन पर आपको ये शेयर मिल रहा है। अब ये देखिए इसके 1 साल के अगर आप हाई को देखोगे तो ये देखिए 898 का, मतलब अपने हाई से लगभग 350 रुपये ये गिर गया। अब 350 रुपये यानी इसके हाई से लगभग होता है 35 से 40%, तो देखिए 35 से 40% का करेक्शन इस शेयर में पहले से आ गया। और मेन बात ये कि इसके 1 साल में लो पे नज़र डालिए 146, मतलब 146 के लो पे जाने के बाद इसने एकदम तक 900 पे इसने हाई बनाया हुआ है। तो ये देखिए मतलब एक तो ये भी इश्यू है कि इसमें 1 साल में इतना अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल गया कि जिसकी वजह से यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ रही है।
अब इसके 5 साल के हाई को देखिए आप, 5 साल का अगर आप हाई देखोगे तो वो भी सेम ही है, लेकिन लो देखिए, इसका लो है 46 का, और अगर हाई से कंपेयर करोगे तो इसने मल्टीबैगर रिटर्न दिए, ये देखिए 711% के रिटर्न, मतलब अगर आपने इसमें 1,00,000 रुपये लगाए हैं 5 साल पहले तो उसकी वैल्यू आज 8,11,000 रुपये होती, तो पहले से मल्टीबैगर शेयर बन चुका है, लेकिन अभी भी आपको एक अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहा है, अभी भी महंगा नहीं है, फंडामेंटली देखा जाए अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहा है। मेरे ख्याल से अगर आपने इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है और अगर आपके बाय प्राइस से ये शेयर नीचे आ गया है तो आपको इसमें ज़रूर खरीदारी करनी चाहिए, और जितना ये गिरता है, सपोज ये यहाँ से लगभग चला जाता है 350 रुपये भी चला जाता है, 400 रुपये भी चला जाता है, तो आपको इसमें डरना नहीं है, मेरे ख्याल से आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए। अब रही बात शॉर्ट टर्म व्यू, देखिए शॉर्ट टर्म में अगर मेरी बात माने तो 530 का जो लेवल है वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका बना हुआ है, और 580 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो इसीलिए 580 के लेवल से पहले इसमें मैं आपको खरीदने को नहीं बोलूंगा, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो 530 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 530 से पहले आपको नहीं बेचना चाहिए। तो देखिए अगर 530 का लेवल अगर ये तोड़ता है तो मेरे ख्याल से 480 या 460 के लेवल आपको नीचे के लेवल पे देखने को मिल सकते हैं, और अगर 580 के लेवल को तोड़ता है तो मेरे ख्याल से जल्द ही आपको 650 के लेवल इस शेयर में देखने को मिल सकते हैं। अब रही बात तीसरी, अब तीसरी बात आती है क्या अब इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। देखिए मेरे ख्याल से तो अभी करंट मार्केट प्राइस भी एक अच्छा प्राइस है, और कभी भी ये शेयर भाग सकता है, देखिए ऐसा भी बोल रहा हूँ गिरेगा भी, लेकिन गिरेगा तो आपको क्या करना है, डिप में और खरीदारी करनी है। तो दोस्तों ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, पहले भी बता दूं मैं आपको, आपको अगर कुछ भी काम करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के एडवाइस लेकर ही आपको अपना काम करना है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और रोज़ इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।